संबलपुर रे आजिठू आरंभ हला खरीफ धान संग्रह होलीला मंडी। चलित बर्षर खरीफ धान संग्रह आजिठू संबलपुर जिले में आरंभ होइछे। प्रथम दिन में संबलपुर सदर सब डिविजन 34 धान संग्रह केन्द्र रे चाषी सीधा सड़क धान संग्रह आरंभ होइछे। संबलपुर बरेईपाली आरएमसी ठारे जिला मुख्य जोगाण अधिकारी एहाको आनुष्ठानिक भावरे शुभारंभ करिछन्ते। संबलपुर जिल्ला रो सदर सब डिविजन रो 55 सेंटर रो आज मार्केट डेट अछि 34 सेंटर पीपीसी ले आज ठो हमर स्टार्ट हला एवं आज ठो हमर धान किणा सुरुखुरी हेबो एवं ए बाबद रे हमर कोऑपरेशन डिपार्टमेंट आरएमसी डिपार्टमेंट पूरा अछन्ति एवं प्रत्येक वर्ष जमी आम धान किणुलू ए वर्ष मध्य आम धान किणा आरंभ कर दे आमर 59,818 एंटार जिले में आम पंजीकरण होती आर्षर टार्गेट 30,68,000 आमर टार्गेट अलरेडी क्विंटाल आसी सारी से टार्गेट को डिस्ट्रब्यूट कर देचु सास मास इश्यू कराई कौन सी टार्गेट कौन सी प्रकार प्रोब्लेम आसना ए बर्ष। राज्यर अन्यतम धान उत्पादनकारी जिला भावे परिचित संबलपुर जिले में आज चलित बर्षर खरीफ ऋतु पाई चाषी धान संग्रह आरंभ हो जाए। राज्य सरकार क्विंटाल पिछा 2300 टंका और इनपुट सब्सिडी बाबद को 800 टंका मोट धान क्विंटाल पिछा 3100 टंकारे चाषी धान संग्रह निष्पत्ति को सठिक कार्यकारी जिला प्रशासन अंटा भिड़ी। एने आज संबलपुर जिलार बरेईपाली आरएमसी ठारे अनुष्ठानिक भावे फिता काटी जिला धान संग्रह कार्य को जिला मुख्य जोगाण अधिकारी रामचंद्र टुडु शुभारंभ करिछन्ते। एहा पूर्वरु चासी ओ मिल्स प्रतिनिधि सहित जिला जोगाण विभाग एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिथिला। एथिरे चलित वर्ष सुरुखुरुरे धान संग्रह टोकन समस्या न उपुजिबा सह मंडीरे समस्त आवश्यक सुविधा जो भली उपलब्ध कराजिबो से नै आलोचना करा जायछे। पहला टोकन तो 75 क्विंटल रो आइछि आ सरकार बहादुर कहुजन बिना कटिनी छटिनी रे धान बिक्री हेबा बोलिकिरी सेथि लागि मैं उत्साहित अछे। एमएसपी भी बढ़ी छे और बोनस भी अच्छे। सरकार जो निष्पत्ति देछन जेनटा घोषणा कर 2300 टाँ 800 टाँ बोनस 2100 आमको देमु बोली कहीछन आउ एबे वर्तमान से कहीछन जे तागर जन अधिकारी मन आसीले जेनटा चली दिला से हिसाब से चलवा आउ चासी मांगर किछि असुविधा नै से माने नै तां से तां तां मतामत देछन। तबे चलित वर्ष खरीफ ऋतु रे आज ठारु आरंभ होइथिबा धान संग्रह कार्य रे संबलपुर सब डिविजन रे प्रथम पर्याय रे 34 धान संग्रह केन्द्र माध्यम रे धान संग्रह करा जाउछे। तबे चलित वर्ष रे समुदाय जिला रे 59,818 जण चासी धान बिक्री पाई पंजीकरण करि सारिछन्ति। सेहिपरि जिला रे एही वर्ष 3,68,000 क्विंटल धान किणाजिबार सरकारक पक्षरु लक्ष्य धार्य करा जाइथिबा नै सूचना रहिछे। तेबे जिले सुरखुरी धान किणापाई जिला प्रशासन पक्षर चाषी मानी पानी जल विश्राम छाईर व्यवस्था समस्त मंडी में सीसीटीवी शौचालय व्यवस्था करा जोगाण अधिकारी सूचना देते जिला को अन्य जिलार धान न आसवाई जिला स्तर में 4 स्क्वाड गठन प्रति सब डिविजन में गोटे लेखाएं स्क्वाड गठन कर आरएमसी स्टाफ प्रति मंडी को नोडल ऑफिसर दिया जाए सहित सीनियर ऑफिसर्स को मॉनिटरिंग पाई 4-5 मंडी को नहीं गोटे ऑफिसर को दिया जाए जमीक आम धान किना प्रक्रिया सुरखुरे हम आम टार्गेट गत वर्ष जिते कि प्रोक्योरमेंट आम करूँ से पाइचु से अनुसार से टार्गेट डिस्ट्रीब्यूशन हो समस्त चाषी भाई बहन मान विनती करूँ कि आप जो भी मंडी में धान आने से एफिक्यू मानक धान आनतु जमीक सबू धान इमिजिएटली प्रोक्योरमेंट हो आगे जीव अपन समस्त चासी भाई भाई बहन मान सहयोग कामना करुच्छी जमीक आमर ये बहुत बड़ 800 टंका जो स्पेशल असिस्टेंस चासी मान को दि जाऊँगी एथर तो समस्त जमीक लाभान्वित हेबे। तबे संबलपुर जिले में चाषी धान संग्रह कार्य सुरखुरी समापन पर प्रशासन तप्तर थिबा बेले चाषीकूल निज फसल क्विंटाल पिछा 3100 टंका रे धान बिक्री करुथिबारु बेस उत्साहित थिबा देखा देछे। संबलपुर मानस साहू रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।